असाइनमेंट वन पॉइंट सिक्स शो देट द इक्वेश आर डायमेंशनली करेक्ट दो इक्वेशन हैं दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र दोनों को बारी बारी हमने प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट हैं पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली अब इसकी हम लोग पहले फॉर्म ऑफ यूनिट्स में जो है ना इन फॉम ऑफ यूनिट्स हम लिखते हैं क्योंकि वो हमें नाइन टेंथ में हम लोगों ने सीखे हैं विलॉसटी की यूनिट्स क्या होती हैं मीटर पर सेकेंड ये क्या है ये भी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड तो उनको फॉर्म ऑफ यूनिट्स में हम नीचे लिख देते हैं वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की सेकंड अब हम लिखते हैं डायमेंशन में इस तरीके से करने से आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा मीटर किस चीज़ की डायमेंशन क्या है लेंथ सेकेंड किसकी डायमेंशन होती है टाइम की और पावर क्या है माइनस वन तो टाइम की डायमेंशन और पावर है माइनस वन इसी तरह ये भी मीटर पर सेकेंड है तो इसकी भी एल टी माइनस वन हो गया ये क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मीटर एल लेंथ की डायमेंशन और सेकेंड की डायमेंशन क्या है टाइम और पावर क्या है माइनस टू माइनस टू इसी तरह आ गया और सेकेंड की डायमेंशन क्या होती है सेकेंड किस चीज़ में मयर होता है टाइम है टाइम सेकेंड में मैय होता है तो उसकी डायमेंशन टाइम है एज इट इज़ लिख दिया अब हम लोग इसको देखते हैं ये एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टी एल टी माइनस टू और इस टी की वैल्यू है वन तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा इससे टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस वन एल टी माइनस वन अब देखें यहाँ पे एक एल टी माइनस वन है और दो एक और एल्टी माइनस वन है तो अब हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस वन लेफ्ट साइड पे और राइट right साइड पे इक्वल टू टू टाइम्स एल टी माइनस वन अब ये देखें ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है ये क्या चीज है कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन इक्वल हों तो फिर हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाती है डायमेंशनली तो पहली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई है दूसरी को देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हम लोग एस डिस्टेंस को अगर डिस्टेंस में मैय किया जाता है उसकी फॉर्म ऑफ यूनिट्स में हम लोग जाते हैं डिस्टेंस में किया जाता है मीटर में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में टाइम सेकंड में हाफ़ कांस्टेंट है एक्सेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और टाइम फिर सेकंड में तो उसी तरह लिखते हैं एस की जगह हम लोगों ने मीटर लिख दिया है विलास्टी की जगह मीटर पर सेकंड टाइम की जगह सेकंड फिर प्लस हाफ एक्सीशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की जगह सेकेंड है और ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आ गया अब हम लोग लिख देते हैं इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन्स मीटर की डायमेंशन क्या होती है लेंथ ठीक है और फिर मीटर पर सेकेंड है मीटर की डायमेंशन लेंथ और सेकेंड की डायमेंशन टाइम और पावर क्या है माइनस वन और फिर फुल स्टॉप डॉट यानी मल्टीप्लाई और एस एस क्या है सेकेंड इस ये डायमेंशन क्या है टाइम तो यहाँ पे ब्रैकेट में रद्द से टाइम लिख दिया प्लस हाफ एज इट इज़ मीटर किसकी डायमेंशन है लेंथ की और सेकेंड किसकी डायमेंशन है टाइम तो एल टी और माइनस टू एज इट इज़ आ गया फिर फुल स्टॉप यानी मल्टीप्लिकेशन और एस स्क्वायर एस किसकी डायमेंशन है सेकेंड टाइम तो टाइम और ऊपर स्क्वेयर आ गया अब इसमें देखें कि हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं टी माइनस वन इन टू टी तो ये हो जाता है एल टी माइनस वन प्लस वन और इस तरफ आए एल टी की पावर आया माइनस टू और यहाँ पे तो प्लस टू तो माइनस टू प्लस टू होगी हमारे पास आंसर इससे आएगा यहाँ से आ गया एल टी की पावर जीरो होगी तो वो खत्म हो गया तो ये सिर्फ एल बच गया और इस साइड पे आए तो एल टी की पावर ज़ीरो हो गई तो वन हो गया टी पावर जीरो वन तो यहाँ पे भी एल बच गया इसको अभी हम कंबाइन करते हैं एल इज़ इक्वल टू यहाँ पर देखें एक एल है और यहाँ पर हाफ एल है तो वन एंड हाफ़ एल हो गया इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं टू वन जार टू प्लस वन थ्री यानी थ्री बाय टू एल इज़ इक्वल टू थ्री बाई टू एल ये क्या है कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ की डायमेंशन आप देख रहे हैं एल है और एल है तो डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है